हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के लास्ट लैक्चर आप देखा सी कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस की होंगे कि कोई भी अपना सीपीयू या मैमरी ते पेरीफरल डिवाइसिस दे विच जदों कोई भी डाटा ट्रांसफर होंगे उन्हां दे अंदर कोई भी कम्युनिकेशन होंगी है तो वह किहदे थ्रू होंगी है इनपुट आउटपुट इंटरफेस के थ्रू होंगी है। नैक्सट है कि जो कम्युनिकेशन है जो डाटा ट्रांसफर है वो मैथड कि हो सकते हैं। सो फस्ट मैथड अज आप करा असिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर। सो असिंक्रोनस वर्ड समझ तो पहला आप देखते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन है वह सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसिस हो रही है। तो हम दोनों डिवाइसिस पता है कि काफ़ी डिफरेंस होंगे ने। सो मेन जोड़ा डिफरेंस है वह है टाइमिंग पल्स का। टाइमिंग पल्स का मतलब की है कि सीपीयू की क्लॉक पल्स हो सकता है ज़्यादा फास्ट हो जिहड़ियां डिवाइसिस ने उन्हां दी क्लॉक पल्स थोड़ी जिहा कंपैरेटिवली स्लो हुंदियां ने। सो दोनों की जिहड़ी क्लॉक पल्स है वह डिफरेंट ने। अगर दोनों क्लॉक पल्स डिफरेंट ने तो उन्हूं आपां की बोलते हैं असिंक्रोनस। अगर दोनों की क्लॉक पल्स सेम स्पीड के उत्ते काम कर रही है दैन वह की मनिया जाएगा सिंक्रोनस। बट जो कि नॉर्मली नहीं हुंदा। नॉर्मली की हुंदा है कंप्यूटर ते जिहड़ियां पेरीफेरल डिवाइसिस ने वो दोनों की क्लॉक पल्स है वह इंडिपेंडेंट हुंदी है ते हरेक की अपनी एक अलग क्लॉक पल्स होंगी है। हरेक की आपकी अलग स्पीड होएगी। सो इस करके वह की मनिया जाता है असिंक्रोनस। तो उन्होंने जो डाटा ट्रांसफर भी होएगा वह की होएगा असिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर। सो जदों डाटा ट्रांसफर करते हैं तो उस आप सीपीयू या इनपुट आउटपुट डिवाइसिस वर्ड नहीं यूज करा। आप वर्ड यूज करा सोर्स एंड डेस्टिनेशन। बिकॉज जी डाटा ट्रांसफर है वह सीपीयू तो इनपुट आउटपुट डिवाइसिस भी हो सकती है एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसिस टू सीपीयू भी हो सकती है। सो इस करके आप इन्हों जनरली सोर्स टू डेस्टिनेशन बोलेंगे। सोर्स होंगे जिथों डाटा ट्रांसफर स्टार्ट हो रहा है तो डेस्टिनेशन होंगे जिथे डाटा ट्रांसफर होके जा रहा है। सो इस करके आप इतने वर्ड कि यूज करा सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सो देखो इन्हें जनरल कंप्यूटर सिस्टम टू यूनिट्स सच एज सीपीयू एंड आईओ इंटरफेस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सो अपन पता है कि सीपीयू तो इनपुट आउटपुट डिवाइसिस ने जो इंटरफेस है वो इंडिपेंडेंट होंगे ने। इफ द रजिस्टर्स इन द इंटरफेस यूज ए कॉमन क्लॉक विद द क्लॉक रजिस्टर्स दैन द ट्रांसफर बिटवीन टू यूनिट इज सैट टू सिंक्रोनस। अगर दोनों की क्लॉक पल्स कॉमन है दोनों सेम स्पीड से काम कर रहे हैं दैन आप इन की कहेंगे सिंक्रोनस। इन मोस्ट ऑफ द केसिस द इंटरनल टाइमिंग इन ईच यूनिट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर इन दैट ईच यूजिज इट्स ओन प्राइवेट क्लॉक फॉर इंटरनल रजिस्टर्स। सो जनरली की होंगे ज्यादातर केसिस च हरेक की आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉक होंगी है। हरेक की आपकी इंटरनल टाइमिंग होंगी है तो वह एक दूसरे तो डिफरेंट हो सकती है। सो हैंस द टू यूनिट्स आर सैट टू बी असिंक्रोनस। इतने करैक्शन कर लियो थोड़ी बुक च सिंक्रोनस लिखा हुआ है। सो इतने है असिंक्रोनस टू ईच अदर। सो दिस अप्रोच इज वाइडली यूज इन मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम। सो मोस्टली अपने कंप्यूटर यही होंगे कि जी सीपीयू की क्लॉक पल्स है वो डिफरेंट होएगी तो इनपुट आउटपुट डिवाइसिस की क्लॉक पल्स डिफरेंट होंगे। सो असिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर स्कीम इज यूज वेन द स्पीड ऑफ आईओ डू नॉट मैच विद द माइक्रो प्रोसेसर एंड टाइमिंग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द आईओ डिवाइसिस इज नॉट प्रेडिक्टेबल। सो असिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर आप उदो यूज करते हैं जो इनपुट आउटपुट डिवाइसिस से सीपीयू की जिहड़ी टाइमिंग है या जो उन्हां दी स्पीड है वो डिफरेंट होवे। सो उत्थे आपां असिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर यूज करांगे। सो इन दिस मैथड प्रोसैस इनिशिएट्स द डिवाइस एंड चैक इट्स स्टेटस। सो इहदे विच की हुंदा है सब तो पहला जिहड़ा प्रोसैस है जो भी कोई प्रोग्राम आपां रन कर रहे हैं जो भी कोई एग्जीक्यूशन हो रही है वह की करता है डिवाइस नूं इनिशिएट करता है एंड उहदा स्टेटस चैक करता है कि डिवाइस रेडी है ट्रांसफर लई या नहीं है। एज ए रिजल्ट सीपीयू हैज़ टू वेट टिल आईओ डिवाइस इज रेडी टू ट्रांसफर द डेटा। सो इस करके की है सीपीयू नूं वेट करनी पैंदी है जो तक वह डिवाइस है जिहड़ी रेडी नहीं होंदी। सो वैन द डिवाइस इज रेडी सीपीयू इशूज इंस्ट्रक्शन फॉर डाटा ट्रांसफर। जदों डिवाइस रेडी हो जाती है फिर सीपीयू की है डाटा ट्रांसफर कर सकता है। सो इन दिस मैथड द फॉलोइंग टाइप ऑफ मैथड्स आर यूज बेस्ड ऑन सिग्नल्स यूज बिफोर डाटा ट्रांसफर। सो सिग्नल कितों स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए आप किमें सिग्नल आप दे रहे हैं इन्हों फिर आप अलग अलग मैथड यूज करा। सो फस्ट मैथड है स्ट्रोप कंट्रोल। असिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर के लिए आप दो मैथड यूज करा। सो फस्ट मैथड है स्ट्रोप कंट्रोल। स्ट्रोप कंट्रोल दे विच की होएगा पहला आप इन समझते हैं स्ट्रोप कंट्रोल च की होएगा।
सपोज ये सोर्स है ते डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेटा ट्रांसफर करना अपने डेस्टिनेशन ते। तो हम सपोज करो सोर्स ने कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है तो ये आप दो लाइन्स यूज करांगे, एक तो होएगी डेटा लाइन ते एक होएगी स्ट्रोब कंट्रोल। स्ट्रोब कंट्रोल किदे लिए यूज करांगे, आप एक कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करने लिए। तो ये की होएगा सपोज हम सोर्स ने डेस्टिनेशन नू डाटा सेंड करना है तो सोर्स की करेगा डाटा लाइन के उत्ते डाटा पुट करेगा, डाटा हुण किदे उत्ते है इस लाइन के उत्ते है। दैन नाल ही सोर्स की करेगा स्ट्रोब कंट्रोल नू एक्टिव कर देगा जिदे नाल डेस्टिनेशन नू पता लगेगा कि हुण इत्थे डाटा आ रहा है। जदों स्ट्रोब कंट्रोल एक्टिव होएगी तो डेस्टिनेशन की है डाटा लाइन के उत्तों डाटा चकेगा तो अपने रजिस्टर्स के विच स्टोर करूगा। ये जिहड़ा प्रोसैस है थोड़े टाइम लिए एक्टिव रहेगा, जिहड़ियां लाइनज़ ने कुछ क टाइम लिए एक्टिव रहनगियां ताकि डेस्टिनेशन वो डाटा नू है अपने रजिस्टर्स के विच स्टोर कर सके। दैन कुछ क टाइम तो बाद आटोमैटिकली सोर्स की करेगा स्ट्रोब कंट्रोल नू डिसेबल कर दूगा, जिहदे नाल की है डेस्टिनेशन नू पता लग जाएगा कि हुण इत्थों डाटा नहीं लैणा। सो इहदे विच की है कि कुछ क टाइम लिए स्ट्रोब कंट्रोल एक्टिव रहिंदा है ताकि डेस्टिनेशन जिहड़ा है वह डाटा इत्थों चक सके ते अपने रजिस्टर दे विच स्टोर कर सके। ते नाल ही ए तां हो गया सोर्स इनिशिएटेड। सोर्स इनिशिएटेड मतलब इत्थे जिहड़ी ट्रांसफर है वह किने इनिशिएट कीती है, सोर्स ने, या फिर हो सकदा है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड। डेस्टिनेशन इनिशिएटेड च की होगा कि डेस्टिनेशन डिमांड करेगा कि मैनू डाटा की जरूरत है, तो उत्थे की है सोर्स एंड डेस्टिनेशन। हुण इस केस च की होगा, पहला डेस्टिनेशन स्ट्रोब कंट्रोल नू एक्टिव करेगा। स्ट्रोब कंट्रोल एक्टिव करन दा मतलब की है कि सोर्स नू पता लग रहा है कि डेस्टिनेशन ने डाटा की डिमांड की है। दैन सोर्स की करूगा डाटा लाइन के उत्ते डाटा प्रोवाइड करेगा, तो उस तो बाद डेस्टिनेशन की है इतों डाटा नू अपने रजिस्टर दे विच स्टोर करूगा। तो उस तो बाद कुछ क टाइम बाद स्ट्रोब कंट्रोल की है डिसेबल हो जाएगी, तो उस तो बाद की है डेस्टिनेशन नू डेस्टिनेशन फिर इतों की डाटा नहीं चक सकता। मतलब जिन्ना टाइम स्ट्रोब कंट्रोल एक्टिव है, चाहे इस केस च है चाहे इस केस च है, जिन्ना टाइम स्ट्रोब कंट्रोल वाली लाइन एक्टिव है उन्ना टाइम ही डेस्टिनेशन जिहड़ी यूनिट है वह डाटा इतों की चक सकती है। अदरवाइज जदों स्ट्रोब कंट्रोल डिसेबल हो जाएगी उस टाइम तो इतों की डाटा यह नहीं चक सकते। सो ये की है कि उन्ना टाइम अपन एक सफिशियंट टाइम इतने जी स्ट्रोब कंट्रोल एक्टिव रखनी पेगी ताकि डेस्टिनेशन यूनिट है जी डाटा चक के कॉपी कर सके। सो ये डिसएडवांटेज भी हो सकती है कि अपन ये पता नहीं लग रहा कि डेस्टिनेशन ने एक्चुअल च डाटा कॉपी किया या नहीं किया, अगर टाइम घट है तो उत्थे डाटा कॉपी नहीं होया होएगा पूरा, या ये भी हो सकता है कि सोर्स ने उत्ते डाटा हजे पाया ही नहीं, सोर्स यूनिट बिजी है, तो ये डिसएडवांटेज भी हो सकती है, उन्होंने आप नैक्सट हजे एक्सप्लेन करांगे। पहला देखो ये डेफिनेशन की होएगी। सो स्ट्रोब कंट्रोल च की है, दीज आर द सिग्नल्स सप्लाइड बाय वन ऑफ द यूनिट्स टू इंडिकेट अदर यूनिट वैन द डाटा ट्रांसफर हैज़ टू अकर। सो बेसिकली स्ट्रोब कंट्रोल की है, सिग्नल एक जिहड़ा किसी भी एक यूनिट वालों प्रोवाइड किया जाता है दूसरी यूनिट नूं दसण लई कि हुण डाटा ट्रांसफर हो सकती है। सो इट मे बी एक्टिवेटड बाय सोर्स और डेस्टिनेशन यूनिट। जिहड़ा ये सिग्नल है वह सोर्स वालों भी एक्टिव हो सकता है, जिदा आप इत्थे कीता है सोर्स यूनिट वालों, ते डेस्टिनेशन वालों भी एक्टिव हो सकता है डेस्टिनेशन यूनिट वालों। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोब कंट्रोल डिपेंडिंग अपॉन द स्टार्ट ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द स्ट्रोब। सो सोर्स इनिशिएटेड एंड डेस्टिनेशन इनिशिएटेड। सो सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब दे विच की होएगा, देखो इन दिस द सोर्स यूनिट फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लेस द डाटा ऑन डाटा बस। सब तो पहला की है सोर्स यूनिट डाटा बस के उत्ते डाटा प्लेस करेगी। Then the data bus and the strobe signal do not change in the active state for a sufficient time period to allow the destination unit to receive the data. इस तो बाद की है कि डाटा बस ते स्ट्रोब यूनिट स्ट्रोब लाइन ये दोनों लाइन्स कुछ क टाइम लिए कुछ सफिशियंट टाइम लिए एक्टिव रहनगियां ताकि डेस्टिनेशन यूनिट है वो डाटा नू रिसीव कर सके। सो द डेस्टिनेशन यूनिट यूजेज द फॉलोइंग एज ऑफ स्ट्रोपल्स टू ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ डाटा बस इन टू वन ऑफ इट्स इंटरनल रजिस्टर। सो डेस्टिनेशन यूनिट की करेगी, इथों डाटा बस रिसीव करके अपने इंटरनल रजिस्टर के विच स्टोर करेगी। द सोर्स रिमूव द डाटा फ्रॉम द बस
फॉर ए शॉर्ट पीरियड आफ्टर इट डिसेबल इट्स स्ट्रॉ पल्स। सो सोर्स की करूगा कुछ का टाइम बाद स्ट्रॉ पल्स नू डिसेबल कर दूगा ते डाटा इथों की हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। एक्चुअल च डाटा रिमूव नहीं हुंदा, सोर्स जो स्ट्रोब कंट्रोल नू डिसेबल कर दिंदा है उदो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि हुण इत्थे डाटा जिहड़ा वो सही नहीं है या डाटा जिहड़ा एक्टिव नहीं है तो इस करके डेस्टिनेशन यूनिट इत्थों डाटा रिसीव नहीं करेगी। यानी कि स्ट्रोब कंट्रोल जदों तक एक्टिव है सिर्फ उदों तक ही डाटा रिसीव होएगा, जदों स्ट्रोब कंट्रोल डिसेबल होगी उस टाइम ते डाटा रिसीव नहीं होएगा। सो एक्चुअली द सोर्स डजंट हैव टू चेंज द इनफॉरमेशन इन द डाटा बस। इत्थे ही है कि सोर्स ने एक्चुअल च इत्थे डाटा बस दे उत्ते कुछ नहीं करना, उन्हें जस्ट सिंपली की करना है स्ट्रोब कंट्रोल नू डिसेबल कर देना। सो द फैक्ट दैट द स्ट्रोब सिग्नल इज डिसेबल्ड इंडिकेट्स दैट द डाटा बस डजंट हैव द वैलिड डाटा। सो स्ट्रोब सिग्नल जो डिसेबल हो जाता है अपन पता लग जाता है कि हुण इत्थे जिहड़ा डाटा है वह वैलिड नहीं है, सो इस करके डेस्टिनेशन यूनिट इत्थों होर डाटा कॉपी नहीं करेगी। सो नाउ वैलिड डाटा विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर द स्ट्रोब इज इनेबल्ड अगेन। सो जदों स्ट्रोब दोबारा इनेबल होएगी उस टाइम ते आपां नूं पता लग जाएगा कि हुण इत्थे जिहड़ा डाटा वैलिड है, दैन डेस्टिनेशन यूनिट दोबारा वो डाटा नूं रिसीव करना स्टार्ट कर देगी। सो नैक्सट है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब। इहदे विच की है डेस्टिनेशन वल्लों इनिशिएट किया जाता है, पहला डेस्टिनेशन सिग्नल सेंड करेगा कि मैनू डाटा की जरूरत है, दैन सोर्स उहदे उत्ते डाटा प्रोवाइड करेगा ते उस तों बाद डेस्टिनेशन उह डाटा नूं रिसीव करेगा। सो इट डिस्क्राइब ए डाटा ट्रांसफर इनिशिएटेड बाय द डेस्टिनेशन यूनिट। सो इत्थे जिहड़ी डाटा ट्रांसफर है वह कौन इनिशिएट कर रहा है, कौन स्टार्ट कर रहा है, डेस्टिनेशन यूनिट। सो इन दिस केस द डेस्टिनेशन यूनिट एक्टिवेट द स्ट्रोब पल्स इनफॉर्मिंग द सोर्स टू प्रोवाइड द डाटा। सो इस केस की है डेस्टिनेशन यूनिट पहला स्ट्रोब पल्स नू एक्टिवेट कर रही है। सो इसकी डायग्राम यही है। सो पहला डेस्टिनेशन यूनिट की कर रही है, स्ट्रोब पल्स नू एक्टिवेट कर रही है। देखो इसकी डायरेक्शन की है डेस्टिनेशन टू सोर्स, पहला इन्हें स्ट्रोब पल्स नू एक्टिवेट किया ताकि यह सोर्स यूनिट नू इनफॉर्म कर सके कि हुण मैनू डाटा की जरूरत है। द सोर्स यूनिट रिस्पोंड बाय पुटिंग द रिक्वेस्टेड बाइनरी इनफॉर्मेशन ऑन द डाटा बस। दैन सोर्स यूनिट की करती है जो भी बाइनरी इनफॉर्मेशन यानी कि जो भी डाटा है वह डाटा बस के उत्ते स्टोर कर देता है। दैन द डाटा शुड बी वैलिड एंड रिमेन इन द बस लोंग इनफ फॉर द डेस्टिनेशन यूनिट टू असैप्ट इट। जिहड़ा ये डाटा इन्हें इत्थे प्लेस किया है वह डाटा वैलिड होना चाहिए है, तो इतने उन्हें पर्टिकुलर टाइम तक डाटा इतने रहना चाहिए ता कि डेस्टिनेशन यूनिट उन्हें रिसीव कर सके। सो वी कैन यूज द फॉलोइंग एज ऑफ स्ट्रोब पल्स अगेन टू ट्रिगर ए डेस्टिनेशन रजिस्टर। सो आप इतों की डाटा रिसीव करांगे, द डेस्टिनेशन यूनिट दैन डिसेबल द स्ट्रोब। उस तो बाद की है जो डाटा रिसीव हो गया दैन डेस्टिनेशन यूनिट की करेगी स्ट्रोब नू डिसेबल कर देगी। दैन द सोर्स रिमूव द डाटा फ्रॉम द बस आफ्टर ए प्री डिटरमाइन टाइम इंटरवल। दैन की है सोर्स यूनिट उस तो बाद इतों की डाटा नू रिमूव कर देगी कुछ टाइम बाद। सो यह स्ट्रोब कंट्रोल डाटा ट्रांसफर। सो हुण आपां गल करदे हां इहदे विच डिसएडवांटेज की है। अगर पहला सोर्स इनिशिएटेड की गल करिए, सोर्स इनिशिएटेड दे विच की होएगा, सपोज सोर्स ने इत्थे पहला डाटा लाइन दे उत्ते डाटा प्लेस करता, दैन नाल ही इहने स्ट्रोब कंट्रोल भी इनेबल करती। ठीक है, डेस्टिनेशन यूनिट हुण सपोज करो बिजी है, डेस्टिनेशन यूनिट बिजी है बट सोर्स नू नहीं पता कि डेस्टिनेशन यूनिट बिजी है, इन्हें अपना डाटा इत्थे प्लेस करता है तो हुण एक्सपैक्ट कर रहा है कि डेस्टिनेशन यूनिट इनू रिसीव कर रहा है। सपोज करो 5 सैकेंड या कुछ भी प्री डिटरमाइन टाइम तो बाद की करूगा ये स्ट्रोब पल्स नू डिसेबल कर दूगा, बट उस टाइम तक की है डेस्टिनेशन यूनिट बिजी सी तां उन्हें डाटा रिसीव नहीं किया। तो हुण इत्थे की डिसएडवांटेज हो रही है कि सोर्स नू नहीं पता लग रहा कि डेस्टिनेशन यूनिट एक्चुअल च डाटा रिसीव किया या नहीं किया। सो इन्हें की करना है कुछ टाइम बाद प्री डिटरमाइन टाइम जो भी अपना डिसाइड जो भी सिस्टम डिसाइड करेगा उन्ने टाइम तो बाद की है स्ट्रोब कंट्रोल डिसेबल हो जाएगी, तो उस तो बाद फिर डेस्टिनेशन यूनिट इतों की डाटा रिसीव नहीं कर सकता। बट पहला जो तो रिसीव कर सकता सी जिस टाइम से स्ट्रोब इनेबल सी उस टाइम से डेस्टिनेशन यूनिट खुद बिजी सी, सो इस करके डाटा रिसीव नहीं हो पाया। यानी कि इतने जो एक्चुअल डाटा ट्रांसफर है वह नहीं हो सकी, तो ना ही सोर्स नू पता लगे है कि इन्हें डाटा रिसीव किया या नहीं किया। नैक्सट है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड। डेस्टिनेशन इनिशिएटेड दे विच की है, सपोज करो डेस्टिनेशन ने पहला डिमांड की
डिमांड किवें कीती स्ट्रोब नूं इनेबल करके, स्ट्रोब इनेबल हो गया। हुण इह एक्सपैक्ट कर रहे हैं कि सोर्स यूनिट ने इहदे उत्ते डाटा प्लेस करता होएगा एक सैकेंड बाद या दो सैकेंड बाद, कोई भी टाइम हो सकता है, बट एक्चुअल च उह सोर्स ने डाटा प्लेस नहीं किया बिकॉज मान लो सोर्स बिजी है, सोर्स बिजी होने करके डाटा बस दे उत्ते एक्चुअल च डाटा नहीं आया, जो भी उहदे उत्ते पहला दा डाटा या कोई भी करप्टेड डाटा पे है डेस्टिनेशन यूनिट उहनूं रिसीव कर लेगा, क्योंकि डेस्टिनेशन यूनिट ये एक्सपैक्ट कर रहा है कि सोर्स ने इहदे उत्ते वैलिड डाटा प्लेस करता है। सो डेस्टिनेशन यूनिट की करूगी, इथों दी डाटा रिसीव करना स्टार्ट कर देगी जो कि एक्चुअल च डाटा नहीं है। सो इत्थे जो भी गारबेज वैल्यूज या जो भी डाटा पे है वो डेस्टिनेशन यूनिट रिसीव कर लेगी ते उहदे उत्ते ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे, जो भी उहदा करना है वो हो सकता है। सो इस करके इत्थे भी डिसएडवांटेज है कि डेस्टिनेशन यूनिट नूं नहीं पता लग रहा कि एक्चुअल च सोर्स ने डाटा प्लेस किया है या नहीं किया। सो ये डिसएडवांटेज आपां नैक्सट मैथड दे थ्रू रिजोल्व करांगे, दैट इज टू वायर हैंड शेकिंग। सो ये नैक्सट लैक्चर च करांगे आपां। थैंक यू।